हेलो एवरीवन, मैं कल्पिता ब्यूटी नाइन से, और आज हम देखेंगे कि ड्राई हेयर के लिए बेस्ट कंडीशनर कौन सा है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमेंट्स में ये सवाल किया था कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, हमें कौन सा कंडीशनर इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपके लिए दो कंडीशनर्स जो है लेकर आई हूँ, जो इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं, और आप जो है उन सारी ब्रांड्स से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, क्योंकि वो ब्रांड्स काफ़ी सालों से इंडिया में चल रही हैं और उनका रिज़ल्ट जो है काफ़ी अच्छा है। ये दो ब्रांड्स मैं आपको इसीलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि मेरे भी ड्राई हेयर हैं और मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ ये ब्रांड्स। मैंने इनका रिज़ल्ट देखा है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको भी ये जो दोनों कंडीशनर्स हैं जो मैं इस्तेमाल करती हूँ आपको बताऊँ। दोस्तों, जो सबसे पहली ब्रांड मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है सनसिल्क से केराटिन योगर्ट। तो ये पिंक कलर की बॉटल है। सनसिल्क में आपने काफ़ी सारे कलर्स देखे होंगे, ब्लैक है, येलो है, ग्रीन भी आ चुका है अभी। तो उन सारे अलग अलग कलर्स का मतलब होता है अलग अलग, उनके यूज़ हैं, अलग अलग पर्पज़ हैं। कोई कुछ ऑयली बाल के लिए हैं, कुछ एक्सट्रीम ड्राई बालों के लिए हैं, कुछ कलर हेयर के लिए हैं। तो दोस्तों, ये जो पिंक कलर की बॉटल है ये ड्राई हेयर के लिए है। मेरे बाल भी ड्राई हैं और मैं काफ़ी टाइम से सनसिल्क इस्तेमाल कर रही हूँ अपने बालों पर। इसका शैम्पू भी मैं इस्तेमाल करती हूँ सेम कलर में। मेरे पास सनसिल्क पिंक शैम्पू और पिंक कंडीशनर हमेशा रहता है। इससे मेरे बाल जो है काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो जिनके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, सबसे पहले मैं उनको एक एडवाइस देना चाहूँगी कि अगर आप कंडीशनर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कंडीशनर इस्तेमाल करने के बाद अपने बालों को कंडीशनर के साथ ही सुलझाएं। आप चाहें तो कंघी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बड़ी वाली कंघी होती है, बड़े दांत वाली कंघी, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आप अपने बालों में कंडीशनर लगाते हैं, आपको अपने बालों को कंघी से सुलझाना है और उसके बाद दो मिनट आपको उसे वैसे ही रखना है और उसके बाद आपको वॉश ऑफ कर देने हैं बाल। इससे आपको रिज़ल्ट जो है बहुत अच्छा मिलेगा दोस्तों, और स्पेशली जिनके ड्राई बाल हैं उनके लिए ये चीज़ जो है काफ़ी असरदार है, क्योंकि आपके बालों में जो है काफ़ी ज़्यादा नॉट्स हो जाते हैं, जो नॉट्स इस प्रोसेस के बाद नहीं होंगे अगर आप कंडीशन बालों में अपने बालों को कंघी कर देंगे। तो ये जो है दोस्तों पहला कंडीशनर है मैं आपको बताना चाहती थी। इसमें कैरेटीन, इसका नाम ही है केराटीन योगर्ट। कैराटीन एक तरीके का प्रोटीन है जो हमारे जिससे हमारे बाल बनते हैं, कैरेटीन नाम के प्रोटीन से। आपने कहीं बार कैरेटीन ट्रीटमेंट भी सुनी होगी, मार्केट में कैरेटीन ट्रीटमेंट आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। तो कैरेटीन ट्रीटमेंट हम अपने बालों में इसलिए करते हैं ताकि हमारे जो बाल हैं उनको हम बाहर से प्रोटीन दे सकें। बहुत बार ऐसे हो जाता है कि हमारे शरीर में कुछ चीज़ों की कमी के कारण हमारे बालों को इनफ प्रोटीन नहीं मिलता, जो कि होता है कैरेटीन, जिससे हमारे बाल अति ड्राई होना स्टार्ट हो जाते हैं, स्प्लिट इंस आने लगते हैं, या बहुत बार हमारा हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है, हेयर ग्रोथ कम हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम कैरेटीन ट्रीटमेंट लेते हैं अपने बालों को बाहर से प्रोटीन प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि कैरेटीन एक तरीके का प्रोटीन है जिससे हमारे बाल और हमारी स्किन जो है बनती है। तो दोस्तों, ये जो सनसिल्क पिंक है वो कैरेटीन योगर्ट है, मतलब ये इसमें कैरेटीन प्रोटीन का जो है इस्तेमाल किया हुआ है, जिससे आपके बाल सॉफ्ट भी होते हैं, आपका हेयर लॉस कम होता है। और आप इसे स्कैल्प पे तो लगा नहीं सकते, तो ये हेयर ग्रोथ के लिए उतना मायने नहीं रखता, बट इससे आपके जो क्यूटिकल्स हैं बहुत अच्छे से सील हो जाते हैं और आपके बालों में जो शाइन नेसेसरी है वो आ जाती है। दोस्तों, इसका प्राइस जो है 140 रुपीज़ है। आपको ये अमेज़ॉन पर या नायका पर इजीली मिल जाएगा, और साथ ही आपको किसी भी मेडिकल स्टोर या किसी भी ग्रॉसरी शॉप, मतलब किराने की दुकान में आपको ये प्रोडक्ट अवेलेबल मिल जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि दूसरा कंडीशनर जिसकी मैं बात कर रही थी वो है हिमालया से, हिमालया डैमेज रिपेयर कंडीशनर। दोस्तों, ये भी ड्राई बालों के लिए बहुत अच्छा है। मैंने काफ़ी इसके रिव्यूज़ पढ़े और उसके बाद मैंने इसे इस्तेमाल करके देखा, क्योंकि पहले मुझे इसका रिज़ल्ट नहीं पता था, पर इसके रिव्यूज़ जो है काफ़ी अच्छे थे, तो मैंने
सोचा कि मेरे भी ड्राई बाल हैं तो क्यों ना मैं इसे एक बार इस्तेमाल करके देखूं। तो जब मैंने इसे इस्तेमाल करके देखा तो मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे। मतलब अगर मैं कंडीशनर इस्तेमाल ना करूं तो मेरे बाल एकदम ऐसे फूले हुए दिखते हैं और काफ़ी ड्राई दिखते हैं, बट ये कंडीशनर के बाद मेरे बाल जो है ऑटोमेटिकली स्ट्रेट हो गए थे, उन्हें ऑटोमेटिकली एक शेप आ गया था, जिसके कारण मुझे जो टेम्पररी हीट है मतलब ब्लो ड्राई या फिर हेयर स्ट्रेटनिंग करने की ज़रूरत नहीं लगी। और साथ ही में जब मैं अपने बालों को हाथ लगा रही थी तो काफ़ी सॉफ्ट फील हो रहा था, मुझे काफ़ी हल्का फील हो रहा था अपने सिर पर, क्योंकि ये कंडीशनर उतना अच्छा है, ये ड्राई बालों के लिए काफ़ी अच्छा है और हिमालय ब्रांड काफ़ी नोन है और नेचुरल भी है। ये कंडीशनर आपको ऑनलाइन मिलेगा अमेज़ॉन या फिर नायका पर, और ये आपको किसी भी मेडिकल या फिर किराना शॉप में इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। और दोस्तों इसकी प्राइस है 78 रुपीज़। ये हर डिस्ट्रिक्ट और हर स्टेट के हिसाब से प्राइस चेंज होती है, महाराष्ट्र में इसकी प्राइस है 78 रुपीज़। तो दोस्तों आप लोग भी ज़रूर हिमालय का ये डैमेज हेयर रिपेयर ट्राई करें। अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा स्प्लिट इंस आ गए हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बालों में बहुत ज़्यादा नॉट्स हैं या बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं आपके नीचे के बाल, तो आप ज़रूर इसे ट्राई करें, ये डैमेज बालों के लिए काफ़ी अच्छा है। और मैंने आपको एक और बताया है सनसिल्क, आप अपने बजट के हिसाब से और अपनी चॉइस के हिसाब से इन दोनों कंडीशनर्स में से चूज़ कर सकते हैं। दोनों का रिज़ल्ट डैमेज हेयर के लिए और साथ ही साथ ड्राई हेयर के लिए बहुत अच्छा है, और दोनों भी कंडीशनर्स मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।